देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष निर्मल बिष्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड महिला मंच के कार्यकर्ताओं ने आज गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए घंटा करके चारों तरफ रोड जाम कर दिया। आलम यह था कि पूरा देहरादून शहर ज्यों का त्यों थम गया। हर ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए। उत्तराखंड महिला मंच के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखा। वहीं आंदोलनकारियों की पुलिस और जनता से नोकझोंक भी हुई। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस के समझाने बुझाने के बाद महिला मंच की अध्यक्ष निर्मला बिष्ट ने बताया कि भाजपा सरकार जब से राज्य में आई है तब से राज्य को अनेक समस्याओं का सामना करने के साथ साथ राज्य पिछड़ता चला गया। वहीं उनका कहना है कि जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर देते वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 17 साल इस राज्य को बने हुए होंगे और बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद राजधानी घोषित नहीं हुई है। ये राज्य बिना राजधानी के चल रहा है पहली बात तो, और जो इस टाइम 100 दिन से ऊपर हो गए हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर एक आग सी लगी है कि राजधानी की घोषणा हो रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए है कि इस सरकार ने ये कहा था कि जैसे हम सत्ता पे आएंगे हम राजधानी की घोषणा करेंगे, और ऐसा नहीं है कि इनको बहुमत नहीं मिला है, इनको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। और इसके बाद भी ये लोग यदि इसकी घोषणा नहीं करें तो ये बड़ी शर्म की बात है। आप इस तरह का हनन करेंगे कि महिलाओं को लाठियां भाजेंगे, महिलाओं को उठा उठा के पटकेंगे, हमारे साथ की महिलाओं के किसी के सिर पे टांगे आए हैं, किसी को लाठी मारी गई है, बुजुर्ग महिलाओं को तक आप मार रहे हैं, तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस जनता को? या ये घमंड जो उनको चल रखा है कि हमारे पे पूर्ण बहुमत मिला है, तो यही जनता जिन्होंने आपको सत्ता में बैठा दिया यही वो जनता होगी कि एक दिन आपको सत्ता से नीचे उतारेगी। और उसके बाद भी यदि ये सरकार नहीं देती है तो ये आंदोलन और रूप रूप ले, आप देख रहे हैं कि गैरसैंण कितना बड़ा रूप रूप है, उसी का विरोध किया। 5 मिनट का चक्का जाना।